मैडम ये मत बता दीजिए, मैडम शर्मा ये मत बता दीजिए, मैडम इतना ये मत बता दीजिए, थैंक यू। तो भाई साहब क्या आपको ये चोट इन मैडम के कारण लगी है? हाँ। तो क्या आप तब गिरे हुए थे? हाँ। तो क्या आप अभी भी गिरे हुए हैं? इसका मतलब आप गिरे हुए हैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक गिरे हुए लड़के ने एक जमी हुई लड़की का बलात्कार करने की कोशिश की और सेल्फ डिफेंस में लड़की ने लड़के के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी इन द केस इज सॉल्व। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में इनकी क्या प्रतिक्रिया है। यस सर, ये लड़का ऐसा करेगा हमको मालूम ना था, आर्मी में मेरी बहन के बगल में बैठता था सर, इसे छोड़िएगा नहीं सर। अरे दोस्त तुमको इनकी बातों पे भरोसा है, मेरी बातों पे नहीं। अबे अबे अरे हमारे ना ये हमारी देश की मीडिया है, क्या इसने कभी हमसे झूठ बोला? अरे पर मैं भी झूठ नहीं बोल रहा, मैंने इस पूरे कांड का वीडियो तक लिया है। अब इससे मैं क्या समझूं? मैं बता देने की कोशिश नहीं है क्योंकि उनमें और हमें कछु भेद नहीं है।
को महिलाओं पर अत्याचार होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहाँ आज भी हजारों से ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केस दर्ज किए जाते हैं, पर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहाँ लोग कहते तो बहुत कुछ है पर करता कोई कुछ नहीं, पर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वागत है आपका उस भारत माता के देश में जहाँ हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य जरूर रहता होता है जो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी कर ले अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज। Yeah!
आपको पता है 2003 में 2003 में डोमेस्टिक वायलेंस के 50,000 की गिनती में थे। आज 2014 के टाइम पे ये डोमेस्टिक वायलेंस के केस 2,00,000 की गिनती में है। क्यों? आखिर क्यों? हमारा भारत देश जहाँ पर नारियों का देवी का दर्जा दिया जाता था, आज वहाँ पर फाइनली आंदोलन पर आंदोलन की घोषणा जाता है, उसे दबाया जाता है, उठाया जाता है। आज हमारे देश में 1,00,000 से ज्यादा लड़की आती है तो कि पढ़ना चाहती है, तो कि जानना चाहती है, लाखों लोग की आजादी का बलात्कार होता है। सन 2014 में लगभग 70% ऐसी लड़कियाँ हैं जिसका इलाज जो कर होता है। Thank you.